क्वेश्चन 5, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, यानी दोनों एरिया सेम है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर पार्क का। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, तो स्क्वायर पार्क की साइड गिवन है 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो 90 मीटर है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ फाइंड आउट करनी है हमें। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर ये द एरिया जो है दोनों के सेम है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। जब ये दोनों एरिया सेम हैं तो हमने इनको इक्वल रख दिया। अब देखिए रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया होगा वो एल इंटू बी होगा। एल इंटू बी यानी कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का मतलब होता है साइड स्क्वायर, ये साइड मल्टीप्लाई साइड। यहाँ पे साइड गिवन है इसकी 60 मीटर है ये, इट मीन्स यहाँ पर हम इसको 60 मल्टीप्लाई 60 लिख देंगे। और यहाँ पर जो एल इसकी दी हुई है कितनी है रेक्टेंगुलर पार्क की, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। तो एल की जगह पर हम लिखेंगे 90, मल्टीप्लाई बी ऐसे ही आ जाएगा। तो अब देखिए बी जो है 60 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। अब ये देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 3 9 और 3 2 6। अब ये 3 से ये वाला कट कर लेते हैं, 3 2 6 और ये 0 ऐसे आ गया। अब ये नीचे तो कुछ बचा नहीं, अब 20 2 40 यहाँ पे आ गया 40। तो ये इसकी ब्रेथ आ गई 40 मीटर, 40 मीटर ब्रेथ आ गई किसकी, इसकी रेक्टेंगुलर पार्क की। ये इसका आंसर हो गया। बस इसके अंदर और तो कुछ निकालना ही नहीं था हमें, एक यही चीज निकालनी थी हमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की शेप में है कोई वायर। इफ इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर की लेंथ है मतलब इसका जो पेरीमीटर है इसका रेक्टेंगल का जो लेंथ इतनी है और ब्रेथ इसकी इतनी है। इफ द सेम वायर इज रीबेंड इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। तो अगर हम उसे स्क्वायर शेप में उसको मोड़ देते हैं तो उसकी साइड कितनी होगी। आल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया, इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है हमको। एक तो हमें उसका ये पता लगाना है कि एरिया किसका ज़्यादा होगा, स्क्वायर शेप में या फिर रेक्टेंगुलर शेप में, और व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। ईच साइड निकालनी स्क्वायर की, स्क्वायर शेप में उसकी साइड क्या होगी। तो ये देखिए यहाँ पर क्योंकि वो एक ही वायर है तो उसको हम क्या करेंगे, दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। तो यहाँ पर हमें साइड निकालनी किसकी, शेप ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, यानी स्क्वायर को हम पहले रखेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + b। अब देखिए 2 ब्रैकेट, इसमें l प्लस बी गिवन है, यहाँ पर l इसकी 40 और ये 22, तो यहाँ पर 40 + 22 रख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 40 और 22 62। 62 से इसको क्या करते हैं हम, पहले यहाँ साइड निकाल देते हैं, साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 62 अपॉन 4। ये 4 मल्टीप्लाई वाला इसके नीचे आ गया, इसे 2 से कट कर लेंगे, 2 2 4 और 2 से इसे कर लेंगे, 2 3 6 2 2। तो इसकी जो साइड है वो आ गई 31 साइड ऑफ स्क्वायर, 31 सेंटीमीटर, ये इसका यूनिट हो गया। अब देखिए इसके बाद में क्या है कि एक चीज तो ये निकल आई हमारी, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ इट्स साइड, ये एक चीज तो निकल के आ गई इसकी,
सेकंड पूछ रहा है आल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया, कौन सी शेप का एरिया ज्यादा होगा। ये निकालने के लिए हमें पहले दोनों के एरिया फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देखिए इसे हम यहां पे करेंगे, इसका एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप इसका होता है एल मल्टीप्लाई बी, इसका एल मल्टीप्लाई बी करा हमने तो 40 मल्टीप्लाई 22 करेंगे तो कितना आएगा, जीरो ऐसे लगा देंगे हम, ये वाला जीरो हमने ऐसे लगा दिया। अब 4 to the 8 फिर 4 to the 8 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये। अब एरिया ऑफ स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप में इसका एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर होता है या फिर साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। तो क्या करेंगे, साइड इसकी 31 मल्टीप्लाई 31 रख देंगे यहाँ पर। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 31 के नीचे 31 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। 1 से करेंगे पहले तो 31 ऐसे आ जाएगा, फिर 3 से कर लेंगे तो 3 1 3 और 3 3 9 1 3 3 6 9 961 आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन ऑन कंपेयरिंग, जब हमने इसको कंपेयरिंग करा तो हमें पता चला कि एरिया ऑफ स्क्वायर शेप इज ग्रेटर 961, 880 इज लेस। ऑन कंपेयरिंग एरिया ऑफ स्क्वायर शेप इज ग्रेटर देन रेक्टेंगुलर शेप, आंसर